गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है मंगलवार और टाइम सुबह के बज रहे हैं 8 o'clock और मैं यहाँ पर लंच की तैयारी पहले ही कर रही हूँ। सबसे पहले आज लंच में मंचूरियन बनाएंगे, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर इसका वो बना कर मैं रख दूँगी, क्योंकि इसमें ही टाइम लगता है सब्जियाँ ही चॉप करने में। और इसमें मैं डालूँ यहाँ पर 2-3 चम्मच मैदा है, कॉर्नफ्लोर है और काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर। कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है वो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जब तक उसके बॉल बनने ना लगे। और उसके बाद ये सब करने के बाद मुझे मतलब बहुत आराम हो जाता है मंचूरियन बनाने में ये सब करके रख देने से। तो यहाँ पर मैं इसीलिए इसको पहले करके रख देती हूँ। और तब उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं नूडल्स बना रही हूँ। नूडल्स आज हम चीज़ डालकर बनाएंगे, क्योंकि बच्चे लोग को तो वैसे भी चीज़ हर चीज़ में पसंद है, चाहे वो रोटी हो, पनीर की सब्ज़ी हो, मैगी हो, ब्रेड हो। तो आज नूडल्स में भी चीज़ डालकर बनाऊँगी और चीज़ डालने से नूडल का टेस्ट अलग हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। नूडल्स बनाने के बाद मैं घर के दूसरे काम जैसे झाड़ू पोछा, कपड़ा, ये सब और नहाने के बाद मैं बनाऊंगी लंच। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ सारे काम ख़त्म करने के बाद। अब और अब लंच बनाने के लिए टाइम हो रहा है 1:01:30। और एक साइड में रख दी हूँ बॉल, मंचूरियन बॉल तलने के लिए, और दूसरी तरफ मैं बर्तन धो रही हूँ। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी अपने किचन के काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो मुझे अपने लिए भी कुछ टाइम मिल जाता है। अगर आप हमारा जो वीडियो है वो रेगुलर देख रहे होंगे, तो उसमें मैंने एक दुपट्टे से लहंगा बनाकर वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसका भी ऊपर का वो बनाना बाकी है, लहंगे का टॉप और दुपट्टा। तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज उसको हम बनाएंगे। तो ये सब करने के बाद अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो आज उसको कंप्लीट भी करना है, क्योंकि उसको शौर्य को राखी के दिन उसको पहनना है। और मुझे इस तरह का जो ड्रेस होता है अलग से बनाने में, जिसमें हमें घर के कुछ कपड़े से जो मैं बना लूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में, तो इसीलिए मैं करती हूँ। जीरा राइस भी हम बना लिए हैं मंचूरियन के साथ खाने के लिए। और अब उसके बाद हम बनाएंगे मंचूरियन मतलब ग्रेवी बनाऊंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिफाइंड डाले हैं और
सरसों काली मतलब काला जो सरसों होता है ना दाना, वो डाली हूँ। और लहसुन और अदरक का जो है वो चॉप किए हुए वो डाल दी हूँ। उसके बाद फिर चिंग चाइनीज़ का हम मसाला है जो है वो यूज़ करते हैं। तो इतना सारा ये बना लिया और मेरे पास पैकेट एक ही पैकेट है और मुझे लग रहा है कि अभी कम पड़ जाएंगे। तो मैं इधर जो वो बॉल बना रहे थे उसी को उसी में हम एक चम्मच अरारोट का आटा डालकर और उसको मिक्स कर ली हूँ। तो ग्रेवी बनाने में थोड़ा सा मुझको उससे हो जाएंगे मेकअप हो जाएगा। तो उसको ये साथ में हमने ज़्यादा सब्जी को हम भूंजते नहीं हैं, बस थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नमक और उसके बाद थोड़ा देर के लिए बस ढक दूँगी, थोड़ी सी सब्ज़ी पक जाए। और ये देखिए हमारा इधर जीरा राइस बनकर तैयार हो गया है। और इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर उसको सब चावल जो है दाने उसके अलग अलग कर लूँगी। और ये इधर जो है सब्जी भी हमारा सॉफ्ट हो गया, तो इसमें हम डालेंगे वो अरारोट डालकर जो मिक्स किए थे। और ये सॉस जो है वो जो एक ही साथ हमने वो कर लिए, टोमेटो सॉस और चिली सॉस, रेड चिली और सोया सॉस, और सबको बस एक साथ मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पर चिंग चाइनीज़ का जो मसाले का घोल बना कर रखे थे उसको भी मैं साथ में ही डाल देंगे। और बस इसमें अपना कितना थिकनेस का रखना है उस हिसाब से हमको पानी डालना है और उसके बाद सारे बॉल डालकर ढक देना है एक एक उबाल आने तक, और इसको पकने देंगे। और तब तक पक जाए तब तक फिर मैं इधर अपना किचन जो है वो जल्दी से अपना क्लीन कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये हमारा ब्लॉग? अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।